नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेह नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में था, जहां साधु महात्मा तपस्या किया करते थे। पुराणों के अनुसार जनकपुर के चारों ओर रक्षक देवता के रूप में शिलानाथ, कपिलेश्वर, कूपेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर तथा मिथिलेश्वर नाम से शिव मंदिर थे, जो कि अब भी जनकपुर सीतामढ़ी अथवा दरभंगा से 24 मील दूर नेपाल में है। पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि जनकपुरी में राम सीता का विवाह हुआ था, जहां बाद में जानकी मंदिर बना दिया गया। जनकपुर आज भारत और नेपाल के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हिंदुओं के लिए अहम तीर्थस्थल में बदल चुका है। यह वह स्थान है जहां राम और सीता जी का विवाह संपन्न कराया गया था। पंचमी के दिन यहां बने मंदिर में हजारों भक्त आकर माता सीता से आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं। यह मंडप प्राचीन काल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करता है। धनुषधाम मंदिर, यह जनकपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे धनुष सागर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह तीन टुकड़ों में टूट गया। इस धनुष का एक हिस्सा उड़कर स्वर्ग पहुंचा, दूसरा हिस्सा पाताल में जा गिरा, जिसके ठीक ऊपर विशाल धनुष सागर है, और तीसरा हिस्सा यहां जनकपुर के पास आ गिरा, जिसे आज धनुषधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर जनकपुर, यह विशाल और पवित्र झील गंगा सागर जनकमहल के करीब स्थित है। धनुष सागर और रत्नाव सागर के अलावा यह पवित्र जलस्रोत माना जाती है। जनकपुर के सीता मंदिर की खासियत, माता सीता का ये मंदिर करीब 4840 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास लगभग 115 सरोवर हैं। इसके अलावा कई कुंड भी हैं, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर में माता सीता की प्राचीन मूर्ति है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।